आप सब बहन भाइयों से मुखातिब हूँ। 7 जून का वो दिन मेरी जिंदगी का अंधेरी वाला दिन, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन, जिस दिन मेरा अजीज तरीन शौक अपनी ड्यूटी पर गए और वो वापस नहीं आए, वो मुझे वापस नहीं मिले और अब 2 माह होने को हैं और मैं उनकी तलाश में पाकिस्तान की हर गली हर मोहल्ले में फिर रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे। मेरे शौहर प्रोफेसर डॉक्टर उमर अकबाब खान ने अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से स्कॉलरशिप में MBBS मुकम्मल किया और अब वो गुज़श्ता 22 ईयर्स से रिफा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, वाइस प्रिंसिपल क्लिनिकल और डायरेक्टर जनरल के 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से काम कर रहे हैं। 30 ईयर्स जिस इंसान ने इस पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी सारी जवानी खपा दी, इस शख्स से 2005 का जलजला हो या COVID-19, अपनी जान की परवाह न करके उन्होंने हर खतरे को मोल लेके अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दी। आज वही शख्स पाकिस्तान की सड़कों से, पाकिस्तान की गलियों से लापता हो गया, फिर चला गया, कहाँ ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। हमारे प्यारे कहाँ हैं? हमें किसी सूरत भी जबरी गुमशुदगी मंजूर नहीं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम लापता होना नहीं चाहते। और बराए मेहरबानी सबसे गुजारिश है मेरी कि मेरे शौहर प्रोफेसर डॉक्टर उमर अकबाब खान को फौरी बाजियाब किया जाए, उनको खैरियत से घर भेजा जाए। वो 55 ईयर्स ओल्ड इंसान हैं, 5 बच्चों के नाना हैं और वो बहुत क्या है, गॉल ब्लैडर का भी उनका ऑपरेशन हुआ हुआ है और मैं उनकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ ये अपनी बहन का भी जज़ाकल्ला कहती हूँ, इन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म